हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइज दिस इज़ आर सेशन टू फॉर न बार्ड आंसर राइटिंग कल हमने ऑलरेडी एक ड्रिप इरीगेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड मैंने आपको कल सिस्टम uh, जो है वो हमारा बता दिया था कि uh, जो भी सेशन होगा उसके अंदर आपको लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया जाएगा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने कल के सेशन में ही दे दिया था यही प्रोसेस रहेगा और आंसर्स मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हो जो आपको चेक करके आ, डिटेल्ड एनालिसिस उसका प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बट आंसर मेरे पास आ, एक भी नहीं आया एंड वो आप लोगों की मर्ज़ी है उसमें तो कोई फोर्सफुलस नहीं है लेकिन मैं आशा यही करूँगा कि आप आंसर चाहे मुझे लिख करके भेजो या ना भेजो कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर, कर रहे हो आप अगर सेल्फ इवेल्यूशन कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ भी इवेल्यूएशन करवा रहे हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है वो भी एक अच्छी चीज़ होती है बट आंसर्स को लिखना ज़रूर है अगर आंसर्स को लिख नहीं रहे हो तो फिर एक सीरियस प्रॉब्लम है तो अब डिस्कस करेंगे फटाफट से जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल दिया था उसके अंदर क्या बात क्या हमें बेसिकली uh, करना था वो डिस्कस करेंगे ये नॉन वीडियो एम कोर्स आप जानते हो चल रहा है फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है इसके ऊपर हैप्पी फिफ्टी कोड यूज़ करोगे बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये नबार्ड के अलावा आई बी में यूजफुल होगा क्या ये आप कोई भी एग्रीकल्चर का पेपर दे रहे हो नबार्ड ग्रेड ए आई बी ठीक है आर आर बी या फिर आप नबार्ड ग्रेड बी जिसके अंदर अभी एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से अप्लाई कर रहे हो एफ एफ सी आई जो भी है सब एग्रीकल्चर एग्जाम्स के अंदर यूजफुल रहेगा तो क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको क्वेश्चन ये था डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मेंटेनिंग सॉयल प्रोडक्टिविटी तो सबसे पहला काम हमारा क्या है जो हमने स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था सबसे पहला काम हमारा है कि हम क्वेश्चन को समझ लें ठीक है हमारा जो फील्ड है हमारा जो ग्राउंड है उसको समझ लें क्रिकेट ग्राउंड के साथ हम कंपेयर करके चल रहे हैं हर क्वेश्चन को तो यहाँ पर रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मेंटेनिंग सॉयल प्रोडक्टिविटी सीधा सा क्वेश्चन है इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है ठीक है और दस मार्क्स हैं फोर हंड्रेड वर्ड्स क्वेश्चन का आंसर लिखने का सिस्टम आपको वही फॉलो करना है इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन तो अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन में सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ क्या होगी कि आप ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है इसको एक्सप्लेन कर दो ठीक है उसके बाद रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा सॉइल प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने में वो भी स्ट्रेट वे आपको लिखना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है ठीक है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है एंड अल्टीमेटली फिर आप आंसर को कंक्लूड कर दोगे ठीक है तो देखो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो आप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को डिस्क्राइब करोगे कि ये कोई भी मटीरियल इट इज़ एनी मटीरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है जिसका ओरिजन कहाँ से हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है एंड दैट इज़ वाई इट इज ऑर्गेनिक मैटर सिंथेटिक नहीं है ये सिंथेटिक क्या है कि आप मशीनों से प्रोड्यूस कर रहे हो केमिकल से प्रोड्यूस कर रहे हो बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को या तो वो प्लांट मैटर है या एनिमल मैटर है ठीक है एंड अल्टीमेटली सॉइल में ही अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर आपका इट इज़ रिटर्नड डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू तो जो माइक्रोबियल माइक्रोब्स हैं वो आपके प्लांट और एनिमल के ऊपर एक्ट करेंगे उसको डीकम्पोज करेंगे एंड अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा एट एनी गिवन टाइम इट ऑफ अ रेंज ऑफ मटीरियल फ्रॉम इंटैक्ट ओरिजिनल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सब्सटेंशियली डीकम्पोज मिक्सचर ऑफ मटीरियल नोन एज ह्यूमस तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सिर्फ डीकम्पोज मटीरियल नहीं आता जो मटीरियल अभी डीकम्पोज नहीं है ठीक है जो अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है या पार्शियली डिकम्पोज है वो भी ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएगा जैसे डेड लीव्स हो गई ठीक है डेड एनिमल्स हो गए तो वो अभी पूरे तरीके से हो सकता है कि डीकम्पोज ना हुए हो बट दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर जो पूरे तरीके से डीकम्पोज हो जाएगा मिक्सचर उसको हम क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे ह्यूमस नाउ मोस्ट सॉयल ऑर्गेनिक मैटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट टिश्यूज़ क्योंकि जो लीव्स होती हैं और जो हार्वेस्टेड वेस्ट होता है उसी से मेनली आपका ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है प्लांट रेजिड्यू के अंदर 60 से 90 परसेंट मॉइस्चर होता है जो डेड एंड एंटीकेंग प्लांट होते हैं आपके ठीक है अब रिमेनिंग ड्राई मैटर जो होगा साठ से नब्बे परसेंट मॉइस्चर हो गया उसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड आपको मिलेंगे ये छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए तो ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हो फिर आप इंट्रोडक्शन को लिंक करोगे बॉडी से लिंक करते हुए आपने बेसिकली किस तरीके से लिंक करना है कि हाउ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द प्रोडक्टिविटी उसके अंदर फिर आप पॉइंट्स डाल दोगे कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जो सॉइल uh, का बैक्टीरिया होता है या सॉइल के अंदर जो फंगाई होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एज अ फूड मटीरियल एड करेगा एक्ट करेगा अब फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है अर्थवॉम्ब देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम इसीलिए तो अर्थवाम को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द सॉइल ठीक है वो सॉइल में एक तरीके से नेचुरली टलेज जो है वो करता है उसके अंदर पोर्स क्रिएट करता है जो वाटर की पोरोसिटी होती है जो सॉइल की पोरोसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है तो ये यूजफुल बैक्टीरिया फंगा है और ऑर्गेनिज्म बिल्डअप होंगे जो आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिचार्ज में भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व मैनी इनसोल्यूबल सॉइल मिनरल्स एंड मेक दैम अवेलेबल टू प्लांट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई जब आपके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा ना कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं जनरली बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर दे विल बी easily soluble इन द soil एंड फिर वो प्लांट्स को अवेलेबल हो पाएंगे तो अल्टीमेटली आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिय सप्लाइंग पावर के अंदर Uh, जब आपके माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगाई वगैरह इसके ऊपर एक्ट करेंगे देन अल्टीमेटली डीकम्पोजिशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट रिलीज़ होगा एंड इसकी जो कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है स्पेशली जहाँ पर आपके सैंडी सॉइल्स हैं ठीक है अब जैसे इस बार सैंडी सॉइल के ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर जो अभी आप प्रीलिम्स दे करके हो फेज़ वन देख कर के आए हो तो सैंडी सॉइल के अंदर सबसे लूज मैनर में जो पार्टिकल्स हैं सॉयल पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एंड इसी वजह से इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है तो अल्टीमेटली अगर आपके जिन रीजन में सैंडी सॉइल है वहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कर देते हो सॉइल के अंदर तो उससे उन सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी एरेशन एंड फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करेगा ही हैवी सॉइल्स के अंदर लॉस ऑफ सॉयल बाय वाटर एंड विंड इरोजन कम होगा क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक मैटर को स्प्रेड करोगे तो अल्टीमेटली वो एक तो एज अ बैरियर एक्ट करेगा डायरेक्टली आपका जो वाटर है या विंड है वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और वो सॉइल को बाइंड करके रखेगा जिसकी वजह से वाटर एंड विंड इरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे सॉइल टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखेगा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सर्टन प्लांट ऑफ फूड एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर वगैरह बफरिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंसिडर्ड टू बी एडवांटेजेस इन रेजिड्यू मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड एंड अदर हैवी मेटल अगर आपके सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड्स काफ़ी हैवीली यूज़ किए हैं आपने हर्बिसाइड्स यूज़ किए हैं हैवी मेटल्स यूज़ किए हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कहीं ना कहीं आपके एज अ नेचुरल एक्वाफायर या एज अ नेचुरल फ़िल्टर एक्ट करेगा और वो इन हैवी यूजेज़ इसको रिड्यूस करने में इसका इम्पैक्ट कम करने में भी आपके सॉइल को हेल्प करेगा ठीक है तो ये हमारा मेन बॉडी हो गया अल्टीमेटली हम कंक्लूड कर देंगे कंक्लूजन के अंदर आप ये पॉइंट डाल सकते हो लुकिंग एट द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल प्रोडक्टिविटी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट इट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड सॉयल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इट कैन बी अचीव्ड बाय द एडिशन ऑफ बल्की फार्म यार्ड मेन्योर्स कम्पोस्ट प्रोसेस्ड एनिमल वेस्ट एंड ग्रीन मेन्योरिंग स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना एनकरेज द मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल तो कहीं ना कहीं मैंने इसको करंट के साथ रिलेट करके सरकार की एक स्कीम के बारे में भी डाल दिया एग्जामिनर को मैंने ये बता दिया कि मैं सिर्फ थियोरिटिकल आदमी नहीं हूँ मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी हैं मैं करंट अफेयर्स के बारे में भी जानता हूँ तो यही अल्टीमेटली हमको एग्जाम में करना होता है हमारा जो वर्ड लिमिट है ना उसके साथ हमें इसी तरीके से खेलना होता है कि हम क्लियरली बता पाएँ एग्जामिनर को कि देख हमें पता सब कुछ है सब कुछ कभी भी आप डिटेल में नहीं डिफाइन कर सकते हो जो आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं आपके पास 400 वर्ड हैं 600 वर्ड है यू कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आपको ये एक प्रैक्टिस से चीज सीखनी होगी कि कैसे जो चार लाइनों की चीज़ है या पांच लाइनों की एक्सप्लेनेशन है कैसे उसको दो लाइनों में एक्सप्लेन करना है ठीक है आपको ये भी एक आइडिया होना चाहिए कि कुछ चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो हर चीज़ को आप पेपर के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ आपको मेंशन करने से ही नंबर मिल जाते हैं ठीक है अब जैसे अगर इसमें आपके 400 वर्ड्स हो सकता है कि पूरे ना हो क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बॉडी जो है इसके सिर्फ हेडिंग्स दिए हैं आपको अब ये अकॉर्डिंगली आपकी वर्ड लिमिट के हिसाब से आप किसी एक पॉइंट के ऊपर एम्फोसाइज थोड़ा करके एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिख करके वर्ड लिमिट अपनी पूरी कर लोगे ठीक है अब यहाँ पर अगर मेरे चार वर्ड हैं और मैं साढ़े वर्ड में भी खत्म कर दूंगा आंसर तो मेरा बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा प्लस परंपरागत कृषि विकास योजना को अब कोई बच्चा यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाए तो वो बिल्कुल अननेसेसरी है उसके अंदर परंपरागत योजना बॉज लॉन्च इन दिस ईयर इसके अंदर इतना सब्सिडी मिलता है इतना बेनिफिट मिलता है ये वो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा तो पेपर के अंदर ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना है और कहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखना है बच्चे अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते ठीक है क्योंकि उनको ये हो जाता है कि यार ये वाली चीज़ तो मेरे को आती है मैं ये तो लिख दूँ पर वो अननेसेसरी होता है और कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर को इरीटेट कर देता है जो आपके एग्जाम में फिर मार्क्स के ऊपर जिसका इम्पैक्ट कई बार आ जाता है ठीक है तो ये हो गया आज का क्वेश्चन अब कल का जो लेक्चर होगा उसके लिए क्वेश्चन देख लो जो कल आप अगर लिख करके भेजोगे तो बहुत अच्छा है नहीं लिख करके भेजोगे तो वो आपकी श्रद्धा है आपकी प्रिपरेशन है तो क्वेश्चन है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्म बजटिंग फार्म बजटिंग के एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है दस मार्क्स का क्वेश्चन है चार सौ वर्ड्स के लिए अगेन ठीक है तो कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर देख करके मजा आया होगा और अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर देना वीडियो को लाइक कर देना और कैसा लगा कमेंट में बता देना ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय